उमरिया जिले में मतदान के दौरान कई पोलिंग बूथों को सजाया जाकर मतदान दिवस के रूप में पहले वोट डालने वाले मतदाता का स्वागत कर मतदान करवाया गया। जिस तरह से प्रशासन ने मतदाता जागरूकता हेतु प्रसार प्रचार किया था वो सफल नजर आया और जिले में 80% मतदान हुआ। मतदान के दौरान बांधवगढ़ विधानसभा में मतदाता उत्साह से मतदान करते दिखे। वहीं पर कई जगहों पर देर से मतदान हुआ जिससे मतदाता में गुस्सा दिखा। पाल सिंह, कौन से पोलिंग बूथ? मजगवां 61 में। क्या प्रॉब्लम हो गई थी? मशीन खराब होने के कारण। कितने बजे मतदान चालू हुआ? 9:15 पे। क्या नाम है तुम्हारा? धर्मपाल सिंह। बांधवगढ़ विधानसभा के पोलिंग बूथ क्रमांक 192 में मतदान 9 बजे से शुरू हुआ। यहां वीवीपैटी कनेक्ट न होने के चलते समस्या बनी रही। सुधार दल जाकर सुधार किया गया, तब कहीं जाकर मतदान शुरू हुआ। देवदंडी पोलिंग बूथ में पीठासीन अधिकारी एवं एजेंट के बीच वाद विवाद होने के कारण मतदान का बहिष्कार किया गया। बाद में सेक्टर जोनल अधिकारी द्वारा समझा बुझा कर 10 बजे से मतदान आरम्भ करवाया गया। मतदान समथिंग 9 के आसपास चली। कौन सा पोलिंग बूथ है ये? बांधवगढ़ 189। क्या कारण हो गया था 9 बजे प्रारंभ होने का? कारण ये हुआ कि मैं बहुजन समाजवादी पार्टी से एजेंट हूँ और उसमें अभयराज सिंह के द्वारा हमको दिया गया था एजेंटी के लिए, तो हमने वहाँ पीठासीन अधिकारी के सामने अपना परिचय दिखाया तो उन्होंने ये बोला कि आप अभयराज सिंह से सिग्नेचर आपका मैचिंग नहीं कर रहा है, इसलिए आपको हमको 2 बार किया गया वहाँ से, और फिर हमको बुलाया जा रहा था और फिर एक बार बुला के फिर बाहर किया, और हमारे सामने नकली मार्क फोन 5 बार करवाया गया। हम 5 बार किए लेकिन फिर वो नकली मत पत्र पेटी से कब निकाला गया और कब लॉक किया गया हमको ये जानकारी नहीं, और अभी भी हम बाहर हैं, हमको अंदर नहीं बुलाया गया। पीठासीन अधिकारी क्या बोले? वो ये बोले, हाथ जोड़ के बोले कि भाई आपका सिग्नेचर मैच नहीं कर रहा और आप हाँ मैंने 5 बार वोट डाला है, मार्क पोलिंग में 5 बार मैंने वोट किया, इसके बाद फिर बोलते आपको मैचिंग नहीं कर रहा। आपका ये सिग्नेचर मैच नहीं कर रहा और ये अभयराज सिंह का सिग्नेचर है और ये आप पूरी पटपरा पोलिंग बूथ में ग्रामीणों ने चुनाव का बहिष्कार किया। इस गांव में पानी पीने की कोई सुविधा नहीं है। तहसीलदार ने मौके पर पहुंच लोगों को समझाया तब वे मतदान करने तैयार हुए। मानपुर विधानसभा में 1-2 जगहों मशीन खराब होने से मतदान देर से शुरू हुआ। जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा दोनों विधानसभा के बूथ पर सतत निगरानी बनाए रहे। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर हर पोलिंग बूथों का सघन निरीक्षण पुलिस एवं बल द्वारा किया जा रहा था, जिससे शांतिपूर्ण व्यवस्था के साथ दोनों विधानसभा का चुनाव सम्पन्न हुआ। अब चुनाव सम्पन्न होने के बाद लोगों में आपसी चर्चाओं का दौर शुरू हो चुका है। अब देखना है बांधवगढ़ विधानसभा मानपुर विधानसभा से किस प्रत्याशी के सिर पर ताज होगा। उमरिया से नीरज सिंह रघुवंशी की रिपोर्ट।